आई नो कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे अपने गोल पॉइंट्स पता है और मुझे ये भी पता है कि मुझे कौन से स्टेप किस टाइम पे उठाना है, लेकिन ये लेजीनेस बीच में आ जाती है और मैं कभी कुछ नहीं कर पाती। ये लेजीनेस बीच में आ जाती है जिसको हम लेजीनेस बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन सिर्फ बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ तो करते होंगे। हाँ जी। लेकिन अपने गोल से रिलेटेड कम करते हैं। हाँ जी। और जो चीजें वो ज्यादा करते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, मोबाइल हो गया, ये सर, जैसे लाइक अगर मैं स्टडीज कर रही हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ कुछ, तो मैंने ओनली सोचा कि अगर अच्छा मैं एक घंटे में अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करूंगी, बट 15 मिनट्स में मैं इतनी ज्यादा बोर हो जाती हूँ कि अब नहीं करना। मतलब ये है कि जो लेजीनेस का एक कॉज, जो आपने यहाँ पे वर्ड यूज किया, दैट इज बोर हो जाती हूँ। इज बोर्डम द कॉज ऑफ लेजीनेस? कि जब हम कुछ बोरिंग करते हैं तब हम लेजी होते हैं, या जब कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं तब भी हम लेजी होते हैं? जैसे आज का सेशन यहाँ पे आना इंटरेस्टिंग लग रहा था या बोरिंग लग रहा था? आपके पेरेंट्स ने जबरदस्ती भेजा है आपको यहाँ पर? या उन्होंने रोकने की कोशिश करी थी फिर भी आप लड़ झगड़ के आ गए? हुआ होगा ऐसा भी किसी ना किसी के साथ में, पिट पिटा के आए हैं, चाटे वाटे खा के आए हैं, वट एवर, नींद कितनों को ढंग से नहीं आई, मतलब एक्साइटमेंट था, सुबह अपने आप अलार्म से पहले उठ गए। तो क्या हमको समझ आ रहा है, जिस काम में हमारा इंटरेस्ट होता है वहाँ पे हम कभी लेजी नहीं होते। और ये भी हो सकता है कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगता है लेकिन मुझे बोरिंग लगता है, तो जैसे ही मेरे से वो काम करवाया जाएगा तो वहां पर मैं लेजी हो जाऊंगा। तो इसका जो कनेक्शन है बोर्डम से है, जैसे एक बीमारी होती है ना, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये कॉज नहीं है बीमारी का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पेट खराब हो रहा है, तो वो सब सिम्टम्स हैं जो भी कुछ हो रहा है, बीमारी का जो कॉज है वो कुछ और है। अगर उस कॉज को हम समझ लेते हैं तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दोबारा से वो सिम्टम्स आने बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सिम्टम्स को ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो हर थोड़े दिन बाद वो आते रहेंगे जब तक कि कॉज वहां पर पड़ा हुआ है। तो आपको देखना है कि आप कॉज को ठीक कर रहे हैं लेजीनेस के, या सिम्टम्स पे काम कर रहे हैं। वो पता कैसे लगेगा? जैसे ही एक्सटर्नली कोई मोटिवेशन आता है, यानी मेरी वीडियो देखी या कोई एनर्जेटिक सा गाना सुना, कर हर मैदान फतेह और ये वो, आपने कहा अब तो फतेह करके ही रहूंगा, मतलब भैया यही तो गाना चाहिए था, मिल गया। हाँ, और सुना गाना या मेरा कोई सेशन देखा, एकदम से एक्साइटेड हो गए, एकदम से चार्ज्ड अप हो गए, लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद बैक टू नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या है, आप सिर्फ सिम्टम्स पे काम कर रहे हो, और अगर बार बार ये काम करते भी रहो तो इससे कुछ होने वाला नहीं, ये टेम्प्रेरी सोल्यूशन है। देखोगे थोड़ी देर के लिए चार्ज्ड अप हो जाओगे, फिर वापस से बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल। दूसरा क्या है, परमानेंट, अगर आप इसके कॉज को अगर आपने पकड़ लिया है तो, कि एक्सटर्नली चाहे आपको कोई आ करके बोल रहा है कि मत करो मत करो, लेकिन आपके अंदर से आ रहा है कि नहीं, आई एम ऑन द राइट पाथ, ये बोले वो बोले वो बोले, कोई भी मुझे बोले, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उससे फर्क क्या पड़ता है, मुझे करना है तो करना है। अब आपके ऊपर लेजीनेस हावी नहीं हो सकती। तो अगर ऐसा हो जाए तो काम हो गया। अब ऐसा कैसे होगा? वो सिर्फ तब हो सकता है जब अब किस तरह से हमारी ब्रेन काम करती है उसको ध्यान से समझो, हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं। अगर वो हमको फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए तो उन फंडामेंटल्स के बेस पे हम कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। डू यू वॉन्ट मी टू गो इन द फंडामेंटल्स या फिर आपको स्टेप्स बताऊं? लेजीनेस से बाहर आना है, स्टेप वन ये है, मेक अ प्लान। स्टेप टू, स्टिक टू इट। स्टेप थ्री, इवन इफ यू डोंट स्टिक टू इट, अगेन स्टिक टू इट। खत्म। आप कहोगे हाँ ये बढ़िया है, वो ना आना कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा इसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं। हमारी ब्रेन, आपकी ब्रेन नहीं, मेरी ब्रेन नहीं, हमारी ब्रेन इसी तरह से काम करती है, बेस्ड अपॉन प्लेजर, सीकिंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन। क्या हम सुबह से रात तक जो भी कुछ करते हैं ऐसे ही नहीं करते हैं? जैसे भी आप एक्ट कर रहे हो, अपने आप से झांक करके देखो अपने माइंड के अंदर, क्या हम ऐसे ही नहीं एक्ट कर रहे हैं? बेस्ड अपॉन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अब ध्यान से समझना प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए जो करना पड़ेगा वहाँ पर पेन है। वी डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल और कॉलेज और इवन एट वर्क। आप में से कितने वर्किंग है इन द सेंस के जॉब कर रहे हैं? आप लोगों को काम पे जाने में मज़ा आता है या जब महीने के एंड में जो मिलता है हाथ में उसमें ज़्यादा मज़ा आता है? कि अगर बिना जाए मिल जाए तो अरे बट मज़ा आ गया। कि अभी अगर 6 days a week है वो 5 days हो जाए, 4 days हो, 3 days हो जाए, मजा ही आ जाएगा। मतलब समझ लो क्या हो रहा है, यू वॉन्ट टू अवॉइड इट, यू वॉन्ट टू अवॉइड वर्क एंड यू वॉन्ट टू गेट ऑल द प्लेजर्स दैट कम्स थ्रू मनी। कि काम ना करना पड़े, मिल जाए फटाफट से जो मुझे चाहिए। तो अभी कॉन्फ्लिक्ट क्या है यहां पर, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि जो भी आप करने वाले हो उसका रिजल्ट आएगा बहुत बाद में, और ये भी श्योरिटी नहीं है कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा।
फॉर एग्जाम्पल किसी एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हो, ये भी श्योरिटी नहीं है कि आप क्रैक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और अगर ये श्योरिटी भी है तो कितने साल बाद जाके उसका रिजल्ट आएगा, 2 साल 3 साल 5 साल, लेकिन अभी रात में पॉपकॉर्न लिया और टीवी देख रहे हो, वहां पे प्लेजर कितनी देर में आया, इमीडिएट आ रहा है, तो ब्रेन क्या करेगी, इमीडिएट की तरफ ही जाएगी। ये पूरी की पूरी जड़ है जो हमको पकड़ में आ रही है। तो अब इसका रास्ता क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? अब होता क्या है, एक मजेदार बात आपको बताऊं, हमारे पास गोल्स भी होते हैं, ड्रीम्स भी होते हैं, लेकिन तब भी हम पेटी प्लेजर्स में उलझ करके रह जाते हैं। करना कुछ चाहते हैं लेकिन करते कुछ और हैं, जिसका हमारे गोल से कोई कनेक्शन नहीं होता है। अपने गोल्स को पोस्टपोन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गोल्स तो है हमारे पास, लेकिन वो गोल्स या वो ड्रीम्स उसमें एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। मतलब उनको आप सपने तो बोल सकते हो, ड्रीम्स बोल सकते हो, क्योंकि ड्रीम्स किसके पास नहीं होते, सबके पास होते हैं। ड्रीम क्या है कि मैं अपने हाथ से एक रॉकेट बनाऊंगी, उसको मैं ना मार्च पे लेकर के जाऊंगी। कैसे बनाऊंगी, ये मेरे पास में एक कॉपी है, बस इसी के पेट फाड़ फाड़ के मैं बनाऊंगी। नहीं जा रहा, नहीं जाता, मैं नहीं कर रही, गंदा गेम है, मैं नहीं खेलती। संदीप सर क्या बोलते रहते हो आप अपने सेशन में, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग, नहीं हुआ, मैंने किया नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है, फर्क समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एक है ड्रीम, एक है विजन। विजन मतलब क्या कि मेरे को ये करना है, इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये कोर्स, ये कोर्स। विजन को आप जितना क्लियरली देख सकते हो रियलिटी बनते हुए, और वो विजन एज गुड एज रियल है आपके माइंड में, दुनिया के लिए नहीं है, हो सकता है आपके घर वालों के लिए भी नहीं है, बट यू नो इट फॉर श्योर दैट आई हैव अ प्लान, अ फुल प्रूफ प्लान, मैं कर जाऊंगा, मैं कर जाऊंगी, ये मेरी विजन है, इसको मुझे अचीव करना है इतने साल के, आई विल डू इट। तब वहां से ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कुछ खाते हैं जो हमको पसंद है तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामाइन रिलीज होता है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं या गोल्स हैं उसके बारे में अगर आप सोचते भी हो, बोलने के लिए बोलते हो कि हाँ मेरा ये ड्रीम है, गोल है, लेकिन उसकी वजह से कुछ भी अंदर रिलीज नहीं होता है, क्योंकि अगर होता तो आप रोक ही नहीं सकते थे अपने आप को, तब तो डिस्ट्रैक्शन का टॉपिक ही क्लोज हो गया, क्योंकि जहां ज्यादा रिलीज होगा वहीं पर आप जाओगे। ब्रेन को जहां पर ज्यादा सेंसेशंस होंगी, जहां पर ज्यादा मजा आ रहा होगा, अपने आप ही आप वो काम करने लग जाओगे। ऐसा ही नहीं हो रहा है सुबह से रात तक? जैसे कुछ वेबसाइट्स होंगी जहां पे आपको ज्यादा मजा आता है तो उन पे नहीं जाते, या उन पे जाते हो जहां पे कम हवा आया, कुछ समझ में? इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ परमानेंट सोल्यूशन। यही टाइम है आप लोगों के पास में, अगर सिंसियरली इन चीज़ों को समझ लिया तो कुछ कमाल का हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है, बेसिक जो ह्यूमन साइकी है वो प्रॉब्लम ये है कि हमें कुछ करना ना पड़े, बस बैठे बैठे हमारे सारे काम हो जाए। कि सर ये जो आप बता रहे हो विजन, ये वो ड्रीम को, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, कोई ऐसा रास्ता बताना जो शॉर्टकट हो। तो इसके लिए ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, इसको समझने के लिए आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो कभी भी आलसी नहीं मिलेंगे आपको। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या, कि मैं 18 साल से ऊपर हो गया हूं, आप में से कितने जो 18 साल से ऊपर हैं? हाँ सारे हैं। तो दैट मींस कि अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो, अगर है तो क्या आना चाहिए अंदर से, कि मुझे बैठे बैठे नहीं खाना है अपने माँ बाप का, फ्री में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, एक रुपये भी नहीं चाहिए किसी से भी, चाहे वो मेरे माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, अपने बेस पे कुछ करना है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे अंदर होनी चाहिए, ऐसी बहुत कम लोगों में मिलती है। कहीं पे भी कोई ऑफर निकाल दो जहाँ पे ये बोल दो कि हाँ ये लकी ड्रॉ है, और लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इंग्लैंड सब भिकमंगे भरे पड़े हैं। ये कैसी सोच है? आपको अपनी एक किस्सा सुनाओ, मतलब एक बार गोवा में एक कैसीनो है, तो मैं और मेरा दोस्त वहाँ पे खेलने गए। तो मेरा जुआ खेलने का सीधा सा उसूल है कि जुए में मैं चाहे जितना मर्जी जीत जाऊँ, मैं उसको अपने पास रखूँगा नहीं, मैं हार के ही उठूंगा। मैं पहले ही फिक्स कर लेता हूँ अपने माइंड में कि इतना मुझे हारना है। लोग खेलते हैं जीतने के लिए, मैं खेलता हूँ हारने के लिए। अब आप कहोगे हारने के लिए क्यों खेलते हो, पागल हो क्या? अरे खेलने में मजा आता है ना। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो वहां से कुछ मिलता थोड़ी है मूवी देखने के बाद में, आपने 1000 रुपये खर्चा तो क्या मिला एंड में? मूवी देखने में मजा आया, ऐसी जुआ खेलने में मजा आता है। कभी कभी, रोज नहीं, सोचो कि जुआरी बैठा हूँ। तो रूले गेम होती है, वो पता है आप लोगों को?
उसमें नंबर्स होते हैं बहुत सारे, उसमें नंबर्स पे पैसा लगाना होता है। तो खेल रहे, पहले दिन खेले, वहाँ से मैंने शुरू किया था 2,000 रुपये से, जीते जीते 20-25,000 रुपये हो गए। अगले दिन फिर खेले और वो दोस्त मेरा दूसरा जो साथ में था वो हारे जा रहा, रोए जा रहा, उस दिन पूरा दिन ही खराब, मतलब मैं वह क्या यार मैं 15,000 रुपये डाउन हो गया, ये हो गया वो हो गया, मतलब ये हालत चल रही है उसकी। मैं यहाँ पे जीत के भी खुश नहीं, मेरे को खेलने में मज़ा आ रहा, अच्छा अब ऐसा होगा ऐसा होगा, चलिए यहाँ लगाता हुआ करना। करते करते 75-80 हज़ार रुपये मैं जीत चुका था 2,000 रुपये से। तो वहाँ पे जितने प्रोफेशनल जुआरी बैठे होते हैं कैसीनोज में, आप अगर कभी गए हो तो आपको पता होगा, जिनका रोज़ का होता है, मतलब उनकी शक्ल से पता लग रहा था घर बार सब दिख चुका है मेरे को, आ करके नहीं छाड़ा, भाई उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, मैं उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, मैंने भी ये गलती करती है, ओ मैं क्या मतलब क्या उठ जा, मतलब मैं जीत के चला जाऊँ, ये जुआरी कैसे बनते हैं, जीत करके बनते हैं हार करके बनते हैं, कोई भिखारी कैसे बनता है, जब उसको भीख मिलती है तब बनता है भिखारी, या भीख नहीं मिलती है तब बनता है, जिसको नहीं मिलेगी उसने कोशिश करी भीख मांगने की उसको मिली ही नहीं, वो कहेगा नहीं भिखारी बनती मिलना है ही नहीं, जिसको मिल गई वो भिखारी है, जो जीत गया वो जुआरी है। तो ये बेसिक से फंडे हैं लाइफ के। तो मेरा फंडा क्या है कि चाहे जितना मर्जी हो जाए, तो 75-80 हज़ार रुपये कैसीनो के भी बंदे वो सब एक्साइटेड हुए पड़े कि अगर मैंने ये लगा दिया एक नंबर पे तो उसका 35 गुना या 36 गुना हो जाता है, तो उनकी भी एक लिमिट होती है कैसीनो की। तो सबकी हवा टाइट थी क्योंकि मैं पागलों की तरह खेल रहा था, क्योंकि मेरे को जीतना ही नहीं था, मैं तो हारने के लिए खेल रहा था ना, समझ लो, और लोग जीतने के लिए खेलते हैं, हारने से उनकी फटती है, मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं। वहाँ पे मैंने क्या किया, वो पूरा का पूरा पैसा यानी 70-80 हज़ार रुपये एक नंबर पे लगाया और उठ गया वहाँ से। उस नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1:35। तो सारे मेरे को नहीं नहीं इसमें से कुछ तो रख ले, चल होटल का खर्चा ही निकल जाएगा पागल है क्या, होटल का खर्चा, मैं जुए के पैसे से होटल का खर्चा निकालूंगा, जुआरी हूँ क्या। तो वहाँ पे रखा और मैं उठ करके बाहर चला गया। बाद में दोस्त ने आकर के बता दिया मुझे कि नहीं आया, और अगर वो आ जाता तो 70,000 × 35 करना कितना हुआ, 25-30 लाख रुपए हुआ मेरे ख्याल। हाँ, तो उतना कैसीनो को मुझे देना पड़ता, तो आप समझ सकते हो कि कैसीनो की क्या हालत हुई। सोचा अगर वो नंबर आ जाता तो 25-30 लाख रुपए उस कैसीनो को देना पड़ता, लेकिन अगर वो 25 लाख भी आया था तब भी मैंने वहीं पे टेबल पे छोड़ देना था, चाहिए ही नहीं, मतलब ही नहीं। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट। When I was getting married to my wife, अभी I'm not too sure ये बातें बतानी चाहिए नहीं, बट तो ना बता दो आप, तो हर चीज़ बता दो सर, कुछ भी बता दो, आपका क्या जाएगा, आप तो अपने घर मेरी वाट लग जाएगी एनी हाउ। तो बट इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है तो बता देता हूँ, सच है तो उसमें बताने में क्या डर। When I was getting married to my wife, तो उस टाइम पे मेरे पास में एक सेकेंड हैंड मारुति स्टीम थी, तो मेरे को उड़ती उड़ती खबर आई कि वो मेरे को हंडा सिटी देने का कुछ प्लान कर रहे हैं। अगले दिन मैं अपने ऑफिस में गया, जितनी भी मेरी सेविंग्स थी वो सारी निकाली मैंने यहाँ से वहाँ से करके, और फाइनेंस करा ली एक होंडा सिटी, अगले दिन ही ले आया। मतलब मैंने कहा अब दो किसको दोगे, लाइफ का फंडा सिंपल, किसी से भी 1 रुपये भी लेना नहीं है, मर जाऊँगा लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अब ऐसे बंदे जो डाउरी आज कहने के लिए इलीगल है इंडिया में, लेकिन आज भी बहुत लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला ये सारे काम कर रहे हैं, अब उन बेशर्मों को मतलब क्या, ये सेशन उनके लिए है सोचो। अब वो बंदा आकर के पूछेगा सर मेरा आलस कैसे खत्म हो, अबे तू पहले दही देने के बारे में तो बंद कर सोचना, हाँ बैठे बैठे फ्री का खाने के चक्कर में है, तूने किया क्या उसके लिए जो भी तुझे मिला, तो पहले आपको अपने आप से ये पूछना है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, यानी आपको फ्री में कहीं से कुछ मिल जाता है तो आप बड़े खुश हो जाते हो, जुए के पैसे से आप बड़े खुश हो जाते हो, दहेज के बारे में सोचते रहते हो सुबह से रात तक कि हाँ मेरे को कितना मिलेगा, मेरी मार्केट वैल्यू क्या है, अगर इस तरह की आपकी सोच है तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। सो ये सेशन किन लोगों के लिए है, जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तो फिर हम रास्ते ढूंढते हैं कि लूंगा तो नहीं किसी से भी 1 रुपये भी, तो अब कैसे, मतलब खुद को ही लायक बनाना पड़ेगा। तो वहां से लेजीनेस जड़ से खत्म होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना माइंड दो तरह से काम करता है, एक है प्लेजर, सीकिंग प्लेजर, एक है अवॉइडिंग पेन। यानी कि अगर आप पूरे दिन ये सोचते रहो कि मुझे अपने किस पेन को अवॉइड करना है, और वो पेन जिसको आप अवॉइड करना चाहते हो वो पेन उससे बड़ा होना चाहिए जो पेन आपको हो रहा है वो काम करने में जो आपको करना पसंद नहीं है, आया ऊपर से गया हाँ पढ़ने में पेन होता है, लेकिन अगर नहीं पढ़े तो इस थॉट से अगर आपको पेन होने लग जाए कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मेरे जो माँ बाप हैं उनकी हालत बद से बदतर होने वाली, ये सोच करके अगर आपको उससे ज्यादा पेन होता है जितना आपको पढ़ने में होता है, तो अपने आप ही पढ़ने लग जाओगे,
और दूसरी तरफ से मैंने क्या बोला है कि प्लेजर, यानी ऐसी सेंसेशन अंदर से रिलीज हो वो सोच करके विजन के बारे में जो उससे बड़ी हो, जो छोटी मोटी चीज़ों में, तो कामयाब हो जाओगे। और क्या कर सकते हो अगर इसको इंटेलिजेंटली यूज़ करना है तो? बोरिंग इंटरेस्टिंग का भी हमको फंडा समझ आया। तो अगर कोई काम बोरिंग है, अगर उसको इंटरेस्टिंग बनाना आ जाए आपको, या उसको इंटरेस्टिंग तरीके से करो, तो भी काम हो गया। जैसे मेरे 11th में मैथ्स में बड़े अच्छे नंबर आए थे, मेरे स्कूल में ज़्यादातर बच्चे 11th में फेल हो गए थे मैथ्स में, मेरे बड़े बढ़िया नंबर आए थे। क्यों? क्योंकि हमारे जो मैथ्स के सर थे स्कूल में, उनसे मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था और एक भी ट्यूशन मैंने मिस नहीं करी, एक भी क्लास मिस नहीं करी। क्यों नहीं करी? नहीं, इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अरे नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आज जो मेरी बीवी है वो भी वहां पढ़ने जाती थी। मतलब वो एक प्रॉब्लम देते थे तो सबसे पहले मुझे ही सॉल्व करनी थी वो प्रॉब्लम, क्योंकि तभी तो स्टाइल मारता ना, तभी तो मैं उसको पढ़ाने के लायक बनता पीछे से। तो समझे? नहीं आई बात समझ में? हाँ, मुझे इस लायक बनना था उस टॉर्चरस क्लास में जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ना मुझे वो सर पसंद थे, ना उनके पढ़ाने का तरीका पसंद था, कुछ भी पसंद नहीं था, कुछ और पसंद था। तो बोरिंग से बोरिंग भी क्लास इंटरेस्टिंग हो, एक भी क्लास मैंने मिस नहीं करी। बेटा मैं सर को कहता सर एक्स्ट्रा क्लासेस इतनी मर्जी, सर क्यों नहीं, सर वाई नॉट। दिमाग लगाओ ना कि बोरिंग से बोरिंग काम को भी मैं इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊं। ऐसा कौन सा ट्यूशन सेंटर है इस सब्जेक्ट के लिए, यहाँ इसके लिए, यहाँ इसके लिए, यहाँ पाँच ही तो सब्जेक्ट हैं, तो पाँच अलग अलग चूज करो, अपना काम खत्म हो गई पढ़ाई। अब कहाँ का मोटिवेशन चाहिए जी आपको? अब आपकी माँ बाप आपको रोक पाएंगे वहाँ पे जाने से? अब ये नहीं कि सारी यही हरकतें करने लग जाए, सारे मजनू हो जाए और पढ़ाई लिखाई होने रही। बट आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। मैंने आपको क्या बोला अभी, अगर आपने ध्यान से सुना है तो आई एम टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल्स। अब इन फंडामेंटल्स को आपको कैसे यूज़ करना है वो आपके ऊपर है। ज़्यादातर हमारा दिमाग क्या चलता है, आइदर और में चलता है। जैसे मैं बात करता हूँ अपने किसी सेशन में कि भाई मोबाइल की ये प्रॉब्लम्स है, तो लोग सामने से क्या बोलते हैं, सर क्या मोबाइल छोड़ दें? अरे अबे खच्चर, अबे घोचू, मैंने कब कहा कि मोबाइल छोड़ दें? और मोबाइल क्यों छोड़ना है? बट उसकी अगर आपको प्रॉब्लम समझ आएगी तो चांसेस है कि उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो कम हो जाए आपकी लाइफ में थोड़ी सी। वो आपको देखना है कि आपको कम करना है, छोड़ना है, या जैसे चल रहे हो वैसे ही चलना है। दैट इज योर कॉल। यानी जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, अगर वो मंजिल बिल्कुल क्लियर है माइंड में, एंड इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट रीचिंग देयर, वो मंजिल आपको साफ नजर आ रही है, तो रास्ता चाहे जितना मर्जी मुश्किल हो वो भी अच्छा हो जाता है।